Dear YouTube family, Haji Zubair Khan Memorial Kite Tournament, जेटा ये बच्चों डेर All India Tournament, होच्छे फैजाबादे, इस साल 2021 में टूर्नामेंट चल रहा है फैजाबाद में, क्या आप हमारे साथ चल रहे हैं? आइए, स्वागत है, हम तो जा रहे हैं। हवा चल रहा है, हवा इतना मस्त चल रहा है कि 25 किलोमीटर पर आवर से स्पीड तो कम तो नहीं होगा। हावड़ा में यहाँ दिखा रहा था 5 गुना ज्यादा हवा है। आप बैकग्राउंड देखिए, शायद पहली बार ऑल इंडिया ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया तो खैर बहुत बार हुआ है, हर जगह हुआ है, लखनऊ में हुआ है, बरेली में हुआ है, यूपी का हर क्षेत्र में हुआ है, पहली बार हो रहा है सवाहल में जो कि फैजाबाद से एकदम नज़दीक है। आप लोग देख लीजिए, वो है ग्राउंड, है ना, और ये भैया सरायू नदी है ना, ये सरायू नदी है। और ये भैया के साथ हम लोग टोटो में देखिए, वहाँ स्टेशन से जा रहे हैं, रवाना हो रहे हैं हम लोग ग्राउंड की ओर। वहाँ भी देखिए नदी कितना चौड़ा है, देखिए एकदम इन द लैप ऑफ नेचर। यू आर हैविंग ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लैप ऑफ नेचर, एंड दिस इज अ नेचुरल ब्यूटी विच यू विल नेवर सी फॉर श्योर। सो यू नो, सरफराज भाई और रशीद सर का जो ये जो जिसे कहते हैं इनिशिएटिव है, माइंड ब्लोइंग ऑनेस्टली। अभी तो हम लोग पहुंचे भी नहीं ग्राउंड में, है ना, सामान लेके हम लोग अभी गेस्ट हाउस भी नहीं गए, सबसे पहले ग्राउंड जा रहे हैं। तो अभी सर के साथ हम हैं यहाँ पे, है ना। सर हमारे साथ है मोहम्मद इजार सर, हमारे रजा काइट क्लब का वन ऑफ द सीनियर मोस्ट प्लेयर। तो सर कैसा लग रहा है सर, बताइए। बहुत अच्छा। अच्छा, कैमरा में इनका बेटा है मोहम्मद बख्तियार, आप लोग जानते हैं, बहुत हरदिल अजीज है हमारा रजा भाई, है ना। सर बताइए कि क्या 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 लग रहा है आपको, मतलब कि पहली बार आप लोग खूबसूरत बहुत बेहतरीन पतंग उड़ाने के लिए बहुत सही जगह। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा मैदान में मजे की पतंगबाजी होगी हमारी जी, पहली मतलब बहुत मजा आने वाला है पतंगबाजी। तो बेटा खूब सुंदर, बस बस ही आप पकड़िए। हाँ, तो देखिए रजा भाई भी आ गए हैं। रजा भाई कुछ कहना चाहेंगे, क्या माहौल लग रहा है आपको, की मोने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुहाना मौसम भी है, और नदी जब यहाँ पर बह रहा है दो तरफ में, इतना खूबसूरत नजारा पहली बार अपनी जिंदगी पे देख रहे हैं। तो ऐसा बैकग्राउंड में पतंग उड़ाने में क्या मजा आएगा? अरे रे रे, तो जिंदगी का सबसे सुहाना पल है। तो जैसा हमें लग रहा है कि ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम है हमारे, जब होना हुआ जीवन में प्रथम बार एक सुजोग पावा जाए, और एखाने सुजोगटा पे आमरा धन्य। दैट्स द अपडेट एज ऑफ नाउ फ्रॉम रजा काइट क्लब। आबार आमरा आपनाके पोस्ट करब, वी विल कीप यू पोस्टेड। थैंक यू भैया जी। देखिए वो वहां पे सारे सज्जन बैठे हुए हैं, वहीं इंतज़ाम है सारे। हम लोगों को खेत से चल के जाना पड़ेगा, ये है रास्ता, देखिए खेत से जाना पड़ेगा थोड़ा। देखिए कमेंट्री का आवाज़ भी आ रहा होगा, छोटे लाल उस्ताद का कमेंट्री का आवाज़ आ रहा होगा। कितना बेहतरीन नज़ारा है बताइए ऑल इंडिया का। तो ये सरफराज आलम और इनके फादर को ये डेडिकेशन है ना, हाजी जुबैर साहब को, जिसकी वजह से आज फैजाबाद की ज़मीन पर पहली बार एक राष्ट्रीय लेवल प्रतियोगिता, वो भी पतंग को लेकर, हो पा रहा है। सर हम ये जानना चाह रहे थे कि ये तो कोई फुल फ्लेज्ड ग्राउंड तो है नहीं, तो ये जो है खेत है, तो इसको किस तरीके से आपने बनाया कि जो है इसमें करा जाता है? यहाँ देखिए हमेशा खुला मैदान है, और ये पानी जब आती है बाढ़ से पूरा पानी भर जाता है जी। तो बाकी सूखे टाइम में खेती होती है, तो हमने सोचा कि यही सबसे अच्छी बड़ी बात कि पेड़ नहीं, कुछ परेशानी नहीं, कुछ रोक टोक नहीं, तो देखिए खुला मैदान है, चाहे जितनी दूर पेचाप लड़ाइए आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई रास्ता नहीं।
तो कितना टाइम लगा होगा मतलब ये इनिशिएटिव को? अभी हम लोगों ने 15 दिन में समाप्त कर लिया था, एक जगह पे देख ली थी कि हमको यही कराना है, जगह पहले सूखी, बाकी थोड़ा घास काट के बराबर बना के रास्ता ठीक करके थोड़ा झाड़ी थी, बाहर के कुछ पेड़ थे, तो ये पूरा मैदान हमने बना लिया, 15 दिन में सब हो गया था। जिन्हें जिनको नहीं पता हम बोल दें, सर जो है बहुत शौकीन है, सिर्फ पतंग का ही नहीं घोड़ों का भी। सर कुछ ये टिप्पणी करिए कि किस तरीके से आप शौक को बरकरार रखते हैं। अब हमारा शौक तो खानदानी, वो घोड़े वाली साहब भी हमारे पतंग बहुत अच्छी उड़ाते थे, हम लोग छोटे छोटे उनके साथ चरखे पकड़ ले जाते थे, तब इतना नहीं था, मगर घोड़े को हमारे पूरे हिंदुस्तान में नाम है, सर खास खान हाउस के नाम से यूट्यूब पर डालिएगा तो हमारी वीडियो बहुत मिल जाएगी। घोड़े का भी बहुत शौक है और पतंगबाजी का भी बहुत शौक है, 4-5 दिन हफ्ते मुझे उड़ाना ही उड़ाना पतंग। बहुत बढ़िया सर, इतने सारे टीम्स को आपने बुलावा दिया है और हमारे पतंगबाजी का गेम का बहुत सारे लेजेंड्स आए हैं, जैसे कमल किशोर जी रेफरी कर रहे हैं, रेफरी है छोटे उस्ताद यहाँ पे, देखिए कमेंट्री आप सुन पा रहे हैं, तो सर क्या मैसेज देना चाहिए जो इतने लोग आ रहे हैं? हमारा यही है कि यही पतंगबाजी से लोग आजकल देख कैसा माहौल हो गया, पतंगबाजी से भाईचारा बना रहे, लोगों से हमारी मुलाकात, कितने दूर दूर लोग आए से आ पा रहे हैं, हम नहीं मिलेंगे, हम मिलेंगे हमसे मुलाकात होगी, पहचान बढ़ेगी, बहुत अच्छी बात है, तमाम लोगों से हमारी मुलाकात होगी, बाहर के लोग आए हमसे मुलाकात, हमको जाना, तो इस तरह से बहुत अच्छी बात है पतंगबाजी। फैजाबाद के कुछ रेप्यूटेड काइट मेकर्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी पता है, जैसे नूर आलम हो गए, सदर आलम हो गए, तो फैजाबाद अब पीछे नहीं रहा, एंड विद दिस इनिशिएटिव फ्रॉम सरफराज भाई, आई कैन विश फैजाबाद काइट फ्लाइंग ऑल द वेरी बेस्ट इन द इयर्स टू कम। थैंक यू सो मच। ये देखिए, ये रहा क्रीज ऑल इंडिया की, सामने मैट्रेस बिछा हुआ है, यहाँ से प्लेयर लड़ाएंगे, है ना, और आप शेप जो है कुछ भी रख सकते हैं, गोल रख सकते हैं, चकोर रख सकते हैं, ये प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो क्रीज अभी यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये अभी हमारे कलकत्ते का विक्की भाई, उन्होंने बनाया अपने हाथों से पेच में जाने से पहले, लेकिन पेच थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि ओपोनेंट का पतंग राउंड था जो ऊपर से लड़ रहा था। तो ये है, ये हमारे बहुत ही अजीज़ राशिद सर पतंग छोड़ते हुए अभी पतंग टेस्ट कर रही है, हवा आप देखिए, बाप रे पतंग तो टेस्ट हो रही है पतंग। ये रही आवाज़, सुनिए आप पौने की आवाज़, वाह, 25 किलोमीटर पर प्रति घंटे में पौना चल रहा है, शेर शेर क्या आवाज़ है, राशिद सर खींचते हुए। ये हम लोग रेडी हो रहे हैं अभी तरफ से, राइट साइड से जयपुर लड़ाई, बहुत तेज है आज, हमारे हमारे छोटे लाल जी आ रहे हैं, आज छोटे लाल जी कमेंट्री नहीं करेंगे, आज एक ही मैच है। कैसा रहा टूर्नामेंट जरा बताइए, कैसा रहा टूर्नामेंट? बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, हाँ, इस बार कुछ ऐसा नया चीज़ है उस्ताद जो पहले आप लोग नहीं देखने को मिला पहली बार? नहीं, ये नया चीज़ है, आज यहाँ पे देखा जाए तो मैदान बहुत बढ़िया है और सहूलियत बहुत अच्छी है, रहने की भी, कन्वेंस आने की भी, जाने की भी और रहने की भी। और ये जो इतना हवा जो चल रहा है इसमें ये तो भाई ये टाइम है हवा का। अच्छा, हाँ, ये टाइम है हवा का, ये आने वाला, ये पतझड़ चालू हो जाएगा फिर लुए बन जाएंगी ये हवाएं जी, तो यहाँ तक जो मेरा हिसाब किताब है ये तो मेरे ख्याल 12-13 तारीख में फाइनल हो जाने चाहिए। अच्छा, आपने कितना साल ये काम किया है रेफरी नहीं अगर रोल जो निभा रहे हैं? नहीं, ये दरअसल क्या है, मेरे को तो 40-42 साल हो गए पतंग बल लड़ाते हुए। अच्छा, बाकी ये है कि मैं 20-25 साल से इसको संभालेगा। अच्छा, हाँ। तो फिर आपका मतलब हाथ में वो नहीं होता कि हम भी थोड़ा उड़ा लें? नहीं, दिल करता है, दिल करता है। हाँ, बिल्कुल, अब देखो ना तुम्हारे सामने पतंग लाने जा रहे हैं। वही हाँ। ये छोटे उस्ताद है हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए छोटे। ये हमारा ऑल इंडिया का ग्राउंड फैजाबाद, और कलकत्ता वर्सेस फैजाबाद लड़ रहा है इधर पे, और यहाँ से हमारे भाईजान प्रतीक भाईजान रेफरी है। ये पेस सही हो गया, फैजाबाद नीचे से लड़ाते हुए, फैजाबाद ने भी एक काटा है और नीचे से लड़ाने के लिए आए हैं, कलकत्ते वालों को एक काटा है उन्होंने। बहुत ज़बरदस्त फैजाबाद दूसरी पिच काट रही,
फैजाबाद चढ़ाते हुए। ये रहे फराज भाई और ये विक्की कलकत्ते की, इनकी मैच लड़ेगी। फट गया था, पता नहीं पेच नहीं लड़ा था। हमारे रजा काइट क्लब के सीनियर मेंबर है मोहम्मद इजाज साहब, इनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो है कमल किशोर जी को एक छोटा सा हमारे तरफ से, एक है हमारे बहुत अजीज मिल्कुदा, वो कोलकाता में पतंगबाजी करते हैं, ये उनका फैक्ट्री में बना है, ये कमल किशोर जी के लिए है, ऑल इंडिया में लिखा हुआ है ना। और रजा भाई को रिक्वेस्ट करेंगे, रजा भाई को रिक्वेस्ट करेंगे सरफराज जी को दे, हरदिल अजीज देखिए लिखा हुआ है, हरदिल अजीज सरफराज जी है ना। और बाकी हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे बाबा काइट क्लब को, जो बहुत ही अच्छा खेल रहा है टूर्नामेंट में, आप लोग आगे बढ़ के आइए, रशीद जी का सम्मान कीजिए है ना, ये प्लेट इनको दीजिए और सम्मान कीजिए। अच्छा, प्लेट देने का मतलब यही है कि मतलब जो है फलिए फूलिए है ना, कभी जो है किसी चीज की कमी ना हो, इसको शगुन मान के हम दे रहे हैं रशीद सर को, टूर्नामेंट सक्सेसफुल हो, अच्छे से खत्म हो है ना। और एक इंसान को तो हम भूल ही नहीं सकते जिनकी आवाज आप सुनते रहते हैं, कोसम हिल दूर से सुनाई देते हैं इनकी आवाज, छोटे उस्ताद है हमारे है ना, इनको सम्मानित नहीं करेंगे तो फिर अधूरा रह जाएगा छोटे उस्ताद के लिए। आओ ना छोटे उस्ताद, आओ कमल भाई, स्मार्ट फोटो आने बहुत बहुत थैंक्स कलकत्ता वालों का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा सेकेंड डे है स्टे का और ये हम सुबह सुबह आज वीडियो ले रहे हैं। आप नज़ारा देखिए कितना बढ़िया खूबसूरत जगह है ये रौनाही सोआवल फैज़ाबाद। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पे बाहर से आई हुई टीम्स को ठहरने का जगह दी गई है, बंदोबस्त किया गया है ना। तो यहाँ देखिए कुछ टीम्स अपना सुबह सुबह तैयारी ले रहे हैं, ब्रश व्रश कर रहे हैं। ये एंट्रेंस है, ये हाजी सरफराज आलम के गेस्ट हाउस है, ये इनका फार्म हाउस है, बंगलो बोल सकते हैं आप। बहुत बड़ी जगह में ये स्प्रेड आउट है, अनेक बड़ो जगह थे इटा विस्तारित, तो खूब सुंदर सेटिंग, खूब सुंदर मान बंदोबस्त एवं इंतजाम सब करा हुए छे। देखो सकाल बेला झाड़ा देवा चलते, एखने गाछगाछाली भर्ती, इट्स फुल अफ ट्रीज एंड लश ग्रीन एंड उई हाव बीन अकोमोडेटेड हियर इन दिस रूम एंड उई हाव अनदर क्लब फ्रम कोलकाता, बाबा काइट क्लब, दे स्टे देयर। बाबा काइट क्लब बहुत ही बढ़िया दो मैच जीते हैं और मैच जीत के थर्ड राउंड पे ये लोग पहुंच गए हैं, इनका आज मैच है, हम लोग का मैच तो कल है। आज हम लोग आपस में थोड़ा सा शॉक करेंगे यहाँ पे, जस्ट इस जगह का फील लेने के लिए। और ये जो हम चल के जा रहे हैं, आई विल शो यू कि फार्म हाउस से लगा हुआ, फार्म हाउस से लगी ये जो जगह है ना, देखिए आप कितना खाली ज़मीन पड़ी है। हम लोग यहीं से शॉक करेंगे प्रैक्टिस, एक एक आदमी वहाँ खड़ा हो सकता है, एक नीचे जा सकता है, वहाँ पे हवा ऐसा है स्ट्रेट। तो देखिए कितना बढ़िया, इन द लैप ऑफ नेचर एज आई से, ये सारे टीम्स का एकोमोडेशन का यही जगह है जो हमारे लिए किया गया है, जो आउटस्टेशन टीम्स है। हाँ, ये सुल्तान से वाकिफ कराते आप लोगों को, रूबरू कराते हैं, ये होता है रेस का घोड़ा, कितना सुंदर आँख है देखिए,
सुल्तान अभी प्यार से खा रहे हैं, है ना। ये सुल्तान है, ये सरफराज भाई का बहुत चहीते घोड़ा है, खूब भलोबासे नहीं घोड़ा के, और ये घोड़ा रेसो खेले सुल्तान। काइट क्लब पेश करते हुए अपना खजाना आपके सामने। यही घुड़ीगुलो अपनारा देखे हमारे यूट्यूब चैने, यगल एस लकडाउन समय तक हमें प्रथमवार नूर आलम के लंच करी। हि वज़ लंच फर द फार्स टाइम ड्यूरिंग द लकडाउन एंड टूडे हि इज नो नथिंग लेस दैन अ स्टार। और इतफाक देखिए वही फैजाबाद में ऑल इंडिया हो रो इस बार। ये है बबलू पतंग साज, ये लखनऊ की है पतंग, ये भी वही है। ये नहीं, ये तो अपना ये जो है, हाँ ये भी बबलू पतंग साज। ये रहा मोहर बबलू पतंग साज, ये तो अपना नीड्स नो मेंशन, इनके बारे में जितना तारीफ करें उतना कम। प्रभास माझी, ये है मेरठ की डॉक्टर रजी, ये रहा इनका मोहर, उर्दू में लिखते हैं डॉक्टर रजी। अरे बाप रे बाप, ये तो रखी हुई पतंग है असगर उस्ताद, ये असगर उस्ताद की पतंग है मेरठ की। ये अपना मुन्ना भाई की है बरेली, मुन्ना भाई भी लड़ाएंगे ऑल इंडिया बोल्टू का टीम से, जबरदस्त। हाँ ये तो पतंग जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ये रखी हुई पतंग है और गांठदार कमानी है। ये जो है पूरा गोल फर्मे की पतंग है, दीप कुमार की है, लखनऊ दीप कुमार। ये मनोज कुमार की पतंग है, ये रहा स्टैम्प, ये लखनऊ की है मनोज कुमार। ये भी वही है बबलू, बबलू की पतंग। मोबाइल लगा कर चार्जिंग मोबाइल। ये जो है ये शावेज अंसारी की पतंग है मेरठ की, ये नूर आलम की है, फिर ये मुन्ना भाई की वापस बरेली वाले। ये है बाबू टेलर की पतंग, लेकिन ये पतंग देखते हैं कल पास होता है कि नहीं होता, क्योंकि जो सफ़ेद रंग का जो डिज़ाइन है ना, यहाँ हो सकता है उसको ब्लैक टेप लगाना पड़े। अब ये हो गया मेरा कलेक्शन, अब यहाँ पर आप लोग दिखाते हैं इनकी कलेक्शन, रजा भाई की कलेक्शन, बख्तियार भाई की, है ना। ये विलियम्स की पतंग है, विलियम बहुत हार्ड कमानी वाला पतंग है ये, तो ये तो शायद ना उड़ पाए। ये हुई हमारी कनाई, कनाई की पतंग है ये कोलकाता। अब हम लोग कोलकाता से आए तो कोलकाता पतंग तो रखना ही पड़ेगा, है ना। ये प्रभास माझी की एक और पतंग है, जी प्रभास माझी की पतंग। ये नूर आलम की एक पतंग है, ये अजीत दा का पतंग है, अजीत दा स्पेशल लेबूत वाला, ओहो इंडिया इंडिया का अजीत दा स्पेशल। ये सब तो बचपन की यादें जुड़ी हुई है अजीत दा से। ये पता नहीं नाम, कोई नाम नहीं है, कोई स्टैम्प भी नहीं है, लेकिन बेहतरीन पतंगे हैं, बढ़िया होना है सारे। ये बिसुदा का, हाँ ये बिसुदा का पता है, यही जो रहा बिसुदा का स्टैम्प है ना, बिसु काइट। ओके, और ये एक मैंने गिफ्ट किया भाईजान को उड़ाएंगे, ये इरफान भोला लखनऊ की पता है, बहुत ही मस्त पता है, बहुत मस्त जबरदस्त लचक देखिए पतंग में, इंशाल्लाह खूब काटेंगे इस पतंग से। ये फिर वापस बिसु आ रहे हैं, बिशु वापस, और नीचे बिशु का वो दिखा दीजिए, ये तो दिखा दिया आपने, ये वाला दिखा दीजिए, ये बिशु का है, बहुत बढ़िया है। ये गांठदार कमानी है ना इसमें, एक गांठदार कमानी कहा गया, गांठदार कमानी, ये ओह ये देखिए, ये गांठदार है, गांठदार कमानी है इसमें, ये भी गांठदार कमानी है, यहाँ पर गांठदार है, ओह बहुत बढ़िया भी है। अच्छा भैया मंजा क्या लगाएंगे, मंजा क्या लगेगा, आइए मंजा थोड़ा आपको दिखा दे, सब्जी दिखाते आप लोगों की। आइए कुछ चरखी पेश करते हैं रजा काइट क्लब की तरफ से। ये ओहो मोहम्मद भक्तियार हबीब, रजा काइट क्लब, अपना रजा भाई, और ये मोहम्मद इजहार, क्या बात है, रजा काइट क्लब कोलकाता। ये जो दो सदियाँ आप देख रहे हैं, ये दोनों सदियाँ मजी हुई सदी है ना, ये नजीब भाई शेरू भाई का बना हुआ है, खासकर ऑल इंडिया के लिए तैयार किए हैं,
ये भी एक पेंट डोर है, ये मेरी चरखी है, ये मेरी चरखी है, और ये जो है किसकी है, ये बिन्नी मामा की है, बिन्नी मामा की ज़ेब्रा कलर ब्लैक एंड वाइट। ये राज ने हमको दिया, राजगुरु, इसमें जो आप मेरा नाम देख सकते हैं। अब आ रहे हैं मंजा पे, भाई यार मंजा दिखा दीजिए थोड़ा, किस किस के कारीगर का मंजा। ये है काला सोना केमिकल स्टार, काला सोना केमिकल स्टार, केमिकल स्टार गजब यार, ब्लैक कलर पे है ये। इतनी इसका 926 टॉप मॉडल, टॉप मॉडल ओके। ये आपका कनेक्शन, ये मेरा है नासिर भारती, है ना, नासिर भारती। अच्छा ये है मेरा ही है YKC 11926 11926, और ये जो है ये लड़ेगा भैया 925 है, ये 925 स्टार वन, ये 2019 की डोर है, ये काफी दिन बेहतरीन डोर है, बेहतरीन डोर है, बेहतरीन डोर है। बहुत सही, एक और पेज विक्की का आ गया, वो फिर से वही विक्की नीचे से है, ओपनेंट ने पतंग काफी छोटा कर लिया है, विक्की भी अंदर बाहर करते करते बाहर का मुड्डा लेके सीधा खींचा है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। WKC काइट क्लब लड़ाते हुए नीचे से काफ़ी उनके हद तक घुस रहे हैं, ऊपर वाला जो है थोड़ा कन्ना दबा रहे थे, लेकिन फिर अभी वो भी अपना अंदर चढ़ते हुए आ रहा है, और ये WKC ने बाहर का मुड्डा करते हुए बाहर खींचा है, पूरा फिनिश ले गए, गद्दा मार के सीधा बाहर ले गए, हड़ के क्रॉस, पेंच तो काफ़ी दूर हो रहा है। खींच रहे हैं, ये पट कर रहे हैं, दोनों गुड्डी पट हो रहा है, फंस गया पेच, बुरी तरीके से पेच फंस गया है, नूर भाई का तो पे बल पे है, ओपोनेंट का पे पतंग जो है बल पे बिल्कुल नहीं है, सीधा जा रहा है वो, नूर भाई का बल पे जाते जाते नीचे घुस रहा है, एकदम ग्राउंड में एकदम खेत में घुस जा रहा है पतंग, अभी हल्का दिख रहा है, ऊपर वाले का पतंग टंगा हुआ है ऊपर, भाई जान कट गया, पेज सही हो गया है। ये रजा भाई लड़ाते हुए वहाँ इधर से चरखी पकड़े हुए ऊपर से लड़ा रहे हैं रजा भाई, कट गया हमारे इजहार सर ऊपर से लड़ाते हुए, रजा भाई चरखी पकड़े हुए, ऑपरेंट का टीम वहाँ दूर खड़ी है नीचे से, ये आप लोग एक झलक देखेंगे मेरा पेंच का, तो मैं क्रीज पे खड़ा हूँ, पीछे इजार सर चरकी में हेल्प कर रहे हैं हमको, यही पैचटा अभी खेले छिलाम, यही पैचटा जो अभी पेज देता हूँ, ओपोनेंट ने बाहर दिखा के अंदर ठेला था, और हमारा गुड्डी बाहर जा रहा था, ऊपर से जब गद्दा मारा था बाहर का मुंडा सज गया था, दो छिटका लगाते तो निकल जाता, लेकिन देखिए मेरा पैर कारपेट पे फंस गया और पेज हाथ से निकल गया। तो दोस्तों ये रहा सफ़र ऑल इंडिया की, इट्स माई प्रिविलेज एंड प्राइड टू हैव लेड रजा काइट क्लब इन अ टूर्नामेंट ऑफ सच वैल्यू एंड वर्थ, खूब भलो लगल हमार, आशा करी अपन भलो लेगे हमार डकुमेंट्रीटा, रजा काइट क्लब के एगिए नहीं जावर जो सिद्धांत हमारे खूब गर्वबोध करी हमें ये सिद्धांतटार ऊपर, मुझे बहुत गर्व है इस सिद्धांत पे कि हम रजा काइट क्लब को ऑल इंडिया टूर्नामेंट काइट क्लब कंपटीशन में हम लीड कर सके। मैं बख्तियार भाई और इजार सर का शुक्रगुजार हूँ, हमारा स्कोर 9-0 का था, 9-0, 25 किलोमीटर के हवे में 1200 गज पे पेच, वो भी आपका कनकौआ, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक, बट लेट मी स्टिल टेल यू दैट देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, हमें अपना गेम और बेहतर बनाना पड़ेगा, खेला में हार जीत तो होता ही है, सबसे बड़ी चीज़ होता है पार्टिसिपेशन की,
तो ये मैसेज देके मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आशा करते हैं आप लोग सब सही सलामत हैं, भालो थाकबेन, सुस्तो थाकबेन, एंड कीप फ्लाइंग काइट्स। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।